शिवपुरी जिला चिकित्सालय के मेन गेट के पास से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय के सामने से एक माह में करीब 28 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली TI अमित भदौरिया, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने अपने स्टाफ और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे। थोड़ी ही देर में शिवपुरी SP भी साइकिल चलाते हुए वहाँ पहुँच गए। नई पार्किंग व्यवस्था को देखते हुए पास में ही गेट के सामने रखी हुई चाय गुटके की स्टॉल संचालक को बुलाया और स्टॉल पीछे करने को बोला। वहीं पुड़िया गुटखा बेचने पर स्टॉल संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। बाइक स्टैंड ठेकेदार शरीफ खान को बुलाकर समझाइश दी, दो पहिया वाहन स्टैंड पर ही लगाएं, सड़क पर खड़े ना करें। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि अब जिला चिकित्सालय के सामने हमने नई पार्किंग की व्यवस्था चालू कर दी है, अब चोरियों पर अंकुश लगने की संभावना है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। दो का एवरेज आ रहा है प्रतिदिन का, वो आ रहा है सर जी। अस्पताल के सामने पार्किंग व्यवस्था की जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है? कुछ अव्यवस्थित वाहन खड़ा करने से आपराधिक घटनाएं भी घटित हो रही थी और अव्यवस्था भी यातायात में पैदा हो गई। उसको लेके आज सूबेदार साहब ने इनिशिएटिव लेके नगर पालिका की अनुमति से रोड पे सामने की तरफ जो अतिक्रमण था उसको क्लियर करा के वहाँ वाहन पार्किंग शुरू की है। इससे जो अस्पताल में मरीजों के साथ लोग आते हैं उनको भी सहूलियत होगी और एक सुरक्षा भी उन्हें मिलेगी। उनके साथ कोई घटना किसी तरह की चोरी इत्यादि की घटित नहीं होगी। वो बहुत एक अच्छा नया हम लोगों ने शुरुआत की है और हमारे अपील है हमारी कि सुरक्षा के लिए इस नई व्यवस्था में सहयोग करें जिससे समाज सुरक्षित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।